गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज बहुत बढ़िया वाली हवा चल रही है सुबह से ही। सबसे बड़ा रीज़न हवा चलने की क्योंकि दिल्ली साइड में हो गई है बारिश, तो थोड़ा नॉर्थ में मुझे लग रहा है कि गर्मी के इस तांडव से थोड़ा सा आराम मिलने वाला है। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैंने अपने न्यू जूते पहने हैं। तो आज 21 अप्रैल है, यू गाइस कैन विश मी, क्योंकि ये व्लॉग जब जाएगा वो होगा 23 अप्रैल। इट मींस कि मेरा बर्थडे, सो एक दिन पहले ही मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। एक दिन नहीं, दो दिन पहले, आज 21 है, कल 22 है, परसों 23 है, पर आपके लिए उसी दिन 23 है। तो बस आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं तो आपने मेरे लिए छोड़ी दी होंगी नीचे कमेंट बॉक्स में, तो उन्हें मैं बहुत ही फुर्सत से उस दिन पढ़ूंगी और बड़ी खुश हो जाती हूँ। आपके इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं ना भर भर के बर्थडे विशेष वाले, तो खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। मौसम आज रोज़ से अच्छा होने की वजह से सुबह सुबह ही 9:30 बजे ही मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, वरना ना पूरे दिन इतनी गर्मी होती है कि सब्ज़ी लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज सोच लिया था कि सुबह ही जाऊँगी अगर मौसम सही होगा तो, नहीं भी होगा तो भी प्लान था, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा तो मौसम सही रहता है, पर भगवान ने जैसे मेरी सुन ली और आज सच में मौसम इतना अच्छा कर दिया। मतलब धूप है पर हवा इतनी चल रही है ना जिसकी वजह से अच्छा फील हो रहा है। यार इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि नाक में जाकर जुकाम हो रहा है। मैं आ तो गई गर्मी से बचने, पर मुझे लग रहा है मुझे जुकाम जैसा हो गया, इतना यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है हवा चलने के कारण। बहुत ज़्यादा सुरसुर और ऑलरेडी होने लग गया है। और बस 5 किलो प्याज ले लूँ, 20 रुपये किलो प्याज है, टमाटर भी 20 रुपये किलो है, कुछ भी, मतलब तू गांव की होकर दे देख, धूल देख कैसे उड़ रही है। बाप रे, आज तो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये सनफ्लावर है, सूर्य फूल बोलते हैं इसको, सूर्य फूल। हाँ, विमला है गांव की, पर इसे आता जाता कुछ नहीं है, पता है कुछ भी नहीं है। मतलब इसको बोल रही चमेली का फूल है, सूर्य फूल को चमेली का फूल बोल रही है, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। वैसे हमारी सोसाइटी काफ़ी मेंटेन रहती है, पर अभी गर्मी आ रही है ना तो फूलों का मौसम थोड़ा जा रहा है यहाँ से, तो जितने थोड़े बहुत सूर्य फूल थे वो दिखा दिए मैंने, वो भी झड़ने वाले हैं कुछ दिनों में। सोसाइटी का मंदिर काफ़ी बन चुका है, अभी 1 महीना पहले ही इसका काम चालू हुआ था, काफ़ी हद तक हो गया है। आज मुझे हेयर कट लेना है, आज मुझे काफ़ी सारी छोटी छोटी मेरे बर्थडे की प्रेपरेशन वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म करना है। टाइम मिला है तो सोचा कि जाकर हेयर कट करवा लूँ लंच से पहले, वरना बाद में फिर टाइम नहीं मिलता। और हेयर कट के लिए अपने ही सोसाइटी के पार्लर में जा रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर जो दो लड़कियाँ हैं ना, काफ़ी अच्छे से आपका हर एक काम कर देती है, मतलब काफ़ी उनका हाथ अच्छा है। तो आजकल तो मुझे इसी पार्लर की आदत हो गई है और मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियाँ बहुत मेहनत से अच्छे से काम करके दे रही है। हल्का फुल्का हो गया, 2 दिन बाद ही और अच्छे लगेंगे। एक्चुअली आज कट होते हैं ना तो थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। अच्छा लग रहा है, कितने दिनों बाद ऐसे बाल कट किए हैं, घर वालों का रिएक्शन लेके अभी क्या बोलते हैं, जाओ देखते रिएक्शन। विमला ही है, नाइस, बहुत अच्छा है। मेरे को तो लगा तू कुछ और बोलेगी। नहीं, क्यों? अरे वाह, चल अभी अनिका को दिखाते। अनिका, मम्मी को प्ले देखो पहले। क्या यार, आंटी छपरी लिख रही हो। छपरी कुछ भी, छपरी वाला हेयर स्टाइल कुछ भी। देखो अच्छा था, बहुत नाइस। छपरी छपरी कैसे लग रही यार मैं? तो बस जा रही हूँ नहाने, बाल काट कर आने के बाद माना जाता है कि हमेशा नहा लिया जाए तो बेहतर है। वैसे भी बहुत बारीक बारीक बाल मेरे कपड़ों में फंस गए हैं। गाइस, मम्मी नीचे गई है
और मैंने सोचा कि मम्मी का आ रहा है बर्थडे परसों, आज है 21 अप्रैल, 23 को है मम्मी का बर्थडे, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए बर्थडे का सजावट थोड़ा बहुत कर दे। तो मैंने अमेजोन से ये मंगाया था, मम्मी का फेवरेट कलर पर्पल है, तो मैंने पर्पल वाले ये स्टार बैलून्स और कुछ और बैलून्स भी मंगाए हैं। मैं सोच रही हूँ इस खाली जगह में मैं थोड़ा बहुत सजावट कर लूँ मम्मी के रूम में। गाइस मैंने विबला के हेल्प से ये चिपकाया क्योंकि मेरी इतनी बड़ी हाइट नहीं है, तो ये यूनिकॉर्न वाला कर्टन्स मैंने लिया था जिससे ये पर्पल कलर के साथ थोड़ा बहुत मैच हो जाए, रेनबो जैसा लगे। तो मैं ये दोनों को फुलाई हूँ, अभी मैं लास्ट फुलाने जा रही हूँ और फिर उसके बाद हम ये चिपकाएंगे और ये चिपकाएंगे। तो गाइस ये मैं विबला के हेल्प से चिपकाने वाला ये डबल साइडेड टेप से ऐसा होता है, इसको बस निकाल देने का होता है। मैं आपको एक दिखा दूँ, ऐसे निकालते हैं और इस पर स्टिकी सा रहता है, फिर ये वॉल पे चिपक जाता है। ये मैंने ये भी एक मंगाया था ऐसे स्पाइरल वाला, अभी इसको ऐसे खोलते हैं, फिर आपको एक इसके साथ पिन मिलती है। देखिए गाइस इसके अंदर आपको इसको लगवा देना होता है ऐसे, आपको दिखाती हूँ, और ये ऐसे लग जाता है। अभी तक मैंने इतना सजाया, अभी तक सजाने जा रही हूँ, फिर हैप्पी बर्थडे लगाऊंगी। मैं गई थी नीचे कुछ काम से और मुझे अनिका ने तो एक सरप्राइज ही दे दिया है, और इतने कम समय में इतना सब कैसे कर लिया वो ही मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हार्डली 15 से 20 मिनट के लिए नीचे गई थी। और ये देखिए, हालांकि मेरे बर्थडे को अभी भी एक दिन बाकी है, पर अनिका को पता नहीं लगा होगा कि कल अगर मम्मी बाहर नहीं गई तो देखिए इतना प्यारा सजाया है सब, ये मैडम ने खुद ही सब कुछ ऑर्डर वगैरह किया था। और मुझे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो कर्टन्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब ऐसे कलरफुल, एंड ये फ़ैन भी कितना यूनिक लग रहा है, हैप्पी बर्थडे वाला ये जो बैनर है ये भी कितना यूनिक है, और बलून्स भी कुछ है मैंने अभी देखे। सानिका बता रही थी कि मम्मी बलून्स कल मैं सजाने वाली हूँ, अब इतना तो तुम्हें सरप्राइज मिल ही गया है, तो काफ़ी प्यारा सरप्राइज है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके सामने तो पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आएंगी। ये समर ड्रेस मैंने लिया है बर्थडे के लिए, कुछ ऐसा नहीं क्योंकि अनिका बीमार पड़ गई तो उस चक्कर में कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं हो पाई, पर ये समर ड्रेस है, पर पता नहीं कैसा लगेगा। और एक है, और एक पहन कर देखती हूँ। माय सेकंड ड्रेस, काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऐसा कुछ ब्लैक ड्रेस लिया, ये कहाँ से निकल गया कपड़ा यहाँ पर। ओके, काफ़ी इसमें ऐसे फ्रिल्स है और लाइट सा एकदम फ्रॉक है, नाइस, बहुत मस्त लगा है, मतलब अगेन ये पार्टी वेयर नहीं है बट मैंने समर के लिए लिया है। थोड़ा सा मेस है घर तो देख लीजिएगा, इग्नोर करिएगा, तो कुछ हमारे घर पर जहाँ पर नजर जाए वहाँ पर बॉक्सेस ही दिख रहे हैं, बस कुछ और दिन बस एक वेयर हाउस मिल जाए ना। ढूंढो राज बहुत ही उससे रहे हैं, शिद्दत से, पर मिल नहीं रहा है। मिल जाएगा, चलो ये हफ्ते तक मिल जाएगा ना, तो ये सारे बॉक्सेस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले हमारा जो वेयर हाउस था तो वहाँ पर ये बॉक्सेस रहते थे, तो इतना पता नहीं था आपको, बट वो वेयर हाउस खाली होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामान आ रखा है, बस 4-5 दिनों में हट जाएगा। मीनवाइल आज के डिनर में अंकल जो टिफ़िन बनाते हैं उनसे ना हमने स्पेशली चिकन मंगवाया, क्योंकि अंकल ने बोला था आज के मेन्यू में चिकन है, और अंकल बड़ा अच्छा टेस्टी सा चिकन बनाते, और वैसे ही हम लोग नॉन वेज लवर है तो हमसे कहा रहा आ जाएगा। यम्मी डिनर हो गया है, और मुझे ना राज ने बोला कि तुम्हारा गिफ्ट जो है इस कमरे में छुपाया है, और इस कमरे में गिफ्ट ढूंढना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, मैंने बोला ना बॉक्सेस से, मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर खोजने की कोशिश की बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं निकाल पाऊँ उस गिफ्ट को खोज कर, तो कहाँ होगा मुझे नहीं पता, मुझे वेट ही करना पड़ेगा। कल रात को ऑफकोर्स मेरा मिडनाइट में केक कटिंग तो होना ही होना है, तब तो मुझे गिफ्ट मिल ही जाएगा, पर
तब से ना मैं सारे मेल खंगाल चुकी हूँ कि कहीं तो ऑर्डर प्लेस का कुछ तो आया होगा तो मुझे पता चल ही जाएगा कि क्या है, क्योंकि जनरली हमारे घर पर ना ऑनलाइन ही ख़रीदा जाता है, चाहे बड़ा गिफ्ट हो छोटा गिफ्ट हो, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, मुझे बिना बताए राज ने इस साल, पिछले साल तो मुझे पता भी था कि फाइव स्टार होटल में उन्होंने डिनर के लिए सबकी बुकिंग की है, पर इस बार भी उन्होंने सेम किया। इस बार भी उन्होंने बहुत प्यारा इनविटेशन कार्ड खुद ही बनाया, आई विल मेंशन हियर, बस मैं वहाँ का वेन्यू छुपा दूँगी क्योंकि इस समय मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ आप सभी को एक साथ वहाँ पर बुलाकर खाना खिलाना, और कुछ अगर पहुँच गए तो मैं मना भी नहीं कर सकती, इसलिए वेन्यू मैं छुपा रही हूँ। बट मुझे नहीं पता था इतना प्यारा सा इनविटेशन बनाएंगे और सबको भेज भी देंगे, और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, मतलब एकदम स्पेशल सा फील हुआ। और सबसे बढ़िया बात कि सबको बुलाया उन्होंने और बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि लास्ट बर्थडे पर भी बहुत मज़ा आई थी, इस बर्थडे पर आई एम डैम श्योर डबल मज़ा आने वाली है। और सारी प्लानिंग उन्होंने कब में की थी मुझे नहीं पता, जब मुझे मेरे व्हाट्सएप पर वो इनविटेशन, ये वाला इनविटेशन कार्ड आया ना, तब मैंने देखा अरे ये तो मेरा ही बर्थडे का इनविटेशन है, और कहाँ पर है सब देखा, फिर उन्होंने ड्रेस कोड भी मॉडर्न रखा है और मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, हमने डिस्कस भी नहीं किया कुछ भी, और सब कुछ उन्होंने प्लान किया। और कब किया पता, जब मैं बाल काटने गई थी तब उन्होंने बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें की, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मुझे मिला है आज। बस अभी मैं गिफ्ट इधर उधर देख रही हूँ, आंखें घुमा रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे कहीं गिफ्ट नहीं दिख रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा इन कार्टन्स में कहाँ पर हो सकता है, वेट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से सारी प्रेपरेशन जो आज कर रहे हैं, ये व्लॉग जाएगा तब तक तो नहीं, तब तक मेरी पार्टी तो शाम को है 7:30 बजे, और आज मेरी ननद का भी फ़ोन आया था तो वो भी बड़ा एक्साइटेड थी, मेरी देवरानी का भी फ़ोन आया था वो भी बड़ी एक्साइटेड थी, हमने बड़े मज़ा मतलब गप्पे विप्पे मारे हैं फ़ोन पर, क्योंकि मॉडर्न ड्रेस कोड है। तो मेरी देवरानी वही बोल रही थी कि मैं क्या पहनूंगी, मैंने बोला पहनना तो पड़ेगा भाई, अब मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ ड्रेस कोड राज डिसाइड करने वाले हैं, तो आपके तो जेठ जी हुए आपको तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। हमारे घर में ऐसा वो पर्दा विर्दा वाला सिस्टम नहीं है, सब लोग कूल है, तो बड़ी मज़ा आने वाली है, देखते हैं ना। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आपको कैसा लगा मेरा ये इनविटेशन कार्ड बताइएगा, एंड आई एम रियली सॉरी लखनऊ वासियों को मैं यहाँ पर बर्थडे पर नहीं बुला सकती, अभी इतना मतलब वो नहीं हुई है मेरी कैपेसिटी नहीं हुई कि मैं आप सभी को एक साथ बुलाओ, बट आप सबकी कृपा रही, आप सबकी ब्लेसिंग्स रही, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप सभी को मैं ऐसी फाइव स्टार जगह पर डिनर के लिए या लंच के लिए ज़रूर बुलाऊंगी। तो आप प्रे करिएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के प्रेयर्स में काफ़ी ज़्यादा शक्ति है। और थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विशेष, आई नो आपने पूरा कॉमेंट बॉक्स भर दिया होगा, lots of love to you guys because you guys always makes my birthday special, and everywhere instagram par har jagah par jab aap mujhe tag karte ho and everything I feel so good yaar, maine kuch to acche karam kiye hai jo mujhe itni achhi family mili hai, itne acche subscribers mile hai, jo mere liye itna sochte mere liye karte hai, it really means a lot to me yaar। chalo fir aur bol kar main rona nahi chahungi, nahi to mere aansu nikal jayenge for sure। Bye bye guys, take care, thank you so much for all your love and support। Tere love is your baby no remix, todas tus amigas say miss me girl, tú necesitamos algún día ese feeling, ay sonríe tú pero el feliz